दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। आज हम बात करेंगे कि आप टेंडर का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, टेंडर का स्टेटस क्या है, कैसे जानने के लिए जो ई प्रोक्योरमेंट का वेबसाइट होता है उसके स्टेटस सेक्शन में जा करके आप आसानी से टेंडर का स्टेटस देख सकते हैं। पहले उसके आपको टेंडर आईडी भरना होगा। टेंडर आईडी डालने के बाद आप उसे कैप्चा भरने के बाद वो आपको शो करने लगेगा। और इसका कैसे प्रोसेस है मैं ये वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कैसे आप स्टेटस को देख सकते हैं। और स्टेटस देखना देखिए ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि स्टेटस मान के चलिए आपने किसी टेंडर को डाला, फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि उस टेंडर आपके तो आप अच्छा से काम कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपको काम नहीं मिला है, तो वहाँ के जितने आप स्टेटस देख करके कितने पार्टिसिपेट है आप उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये टेंडर डालने के 1-2 दिन बाद ही आपको शो करने लगता है कि इसमें कितने पार्टिसिपेट है। और ये मैक्सिमम टेंडर में ऐसा है कि आप पार्टिसिपेट शो करने लगेगा, भले उसका रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन वो पार्टिसिपेट शो करने लगेगा कि कितने हैं उसमें। इसलिए आप स्टेटस का सेक्शन जरूर, अगर देखने नहीं आता है तो ज़रूर देखना देखिए, क्योंकि इसके वीडियो के अंत में मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे स्टेटस देखा जाता है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। देखिए अगर आप कोई टेंडर डाल लेना चाह रहे हैं और आपको बहुत दिन से काम नहीं मिला है तो आप जो आपके कंपटीटर बीडर है उनसे आप बात करके आप टेंडर ले सकते हैं, और ये इनलीगल नहीं है। आप अच्छे से बात करके अगर वो अपने पेपर हटाने को राजी हो जाते हैं तो आप टेंडर ले सकते हैं, और अगर वो राजी नहीं होते तब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो राजी हो जाते हैं तो आप टेंडर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेंडर स्टेटस देखना ज़रूरी होगा जिससे पता चल सके उसमें बीडर कितने हैं और बीडर कैसे हैं। तो आइए दोस्तों आपको टेंडर स्टेटस दिखा देते हैं कि क्या और कैसे आप देख सकते हैं आसानी से और सीख सकते हैं। और एक बात, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिस तरह इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों देखिए ई प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पर हम आ गए हैं। अब ई प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पर आने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसके बाद देखिएगा साइड में जो दिख रहा है टेंडर स्टेटस, टेंडर स्टेटस पर क्लिक करना है। टेंडर स्टेटस करने के बाद हर टेंडर का एक आईडी होता है, उस आईडी के को आपको क्लिक करना है। जो भी टेंडर आईडी है उसको क्लिक करने के बाद इसके नीचे कैप्चा दिया हुआ रहता है। आप इसके अलावा सब डिवीजन डिवीजन डिपार्टमेंट डेट वाइज भी निकाल कर क्या क्या टेंडर निकला उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको टेंडर आईडी के थ्रू सर्च करना सिखा रहा हूँ। और देखिए अब इसमें आप P3AVP3 डाल देने के बाद अब आपको इसे सर्च करना है। सर्च करते हैं जो टेंडर है आपको उस टेंडर आईडी पे बेस वो टेंडर दिखाई देगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। आप टेंडर के बाद उसको आप ब्लू लिंक पे क्लिक करना है। देखिए इसमें जो है टेक्निकल भी डॉक्यूमेंट, टेक्निकल रेगुलेशन और फाइनेंशियल सभी ओपन हो चुके हैं, तो आपको जो ऊपर में दिख रहा है ब्लू लिंक उस पर टिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये सबका नाम दिखा है। देखिए अगर ब्लू लिंक क्लिक कीजिएगा तो उन लोगों का डिटेल्स, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल्स, फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर में आप क्लिक किए खोले होंगे तब। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप VOC डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे टेंडर मिला है। तो टेंडर ओपन होने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। देखिए टेंडर ओपन होने के बाद देखिए जो राहुल रंजन है सबसे बिल्लो डाले हैं, क्योंकि उसे उन्हीं काम मिला है। अब देखते हैं कि कितना परसेंट बिल्लो गए हैं फिलहाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्लो गया है वो 27.99% बिल्लो गया है, तो राहुल है जो 27.99% बिल्लो चला गया है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।